अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है सबको, ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। आपकी 51 की स्ट्रेंथ में से सिर्फ 13 बच्चों ने ज्वाइन किए। वेयर आर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स? रईसा या फिर अब्दुल्ला मुझे कंफर्म करें, मुझे कमेंट बॉक्स में, कि मेरी आवाज़ आ रही है सबको। इफ माय वॉइस इज़ क्लियर तो मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। ओके, वी विल कम टू वर्ड द टॉपिक ऑफ टुडे। वी विल डिस्कस ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर केयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स होते कौन कौन से हैं? वो डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम यूज़ करते हैं अपने आई के एग्जामिनेशन के लिए या टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो उनको हम ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो अगर हमने ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स एज अ आई केयर प्रोफेशनल यूज़ करने हैं, तो उनकी केयर भी तो हमने करनी है और उनको मेंटेन भी रखना है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे आई के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हमने एज अ कह लें कि उनकी मेंटेनेंस भी करनी है और केयर भी करनी है। सबसे पहले है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप एक ऐसा डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी आई के फंडस को, रेटिना को एग्जामिन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप भी आता है और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप भी होता है हमारे पास। तो जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है ये हैंड हेल्ड होता है, ठीक है, और इसमें हम डिस्टेंस और डायरेक्ट दोनों जो प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम इसकी पार्ट्स की बात करें तो एक हैंडल होगा, इसके अंदर बैटरी या सेल होगा। सेल वाली भी ऑप्थेल्मोस्कोप आपके पास हो सकती है, बैटरी वाली भी हो सकती है। अब इसमें हमने देखना होता है कि जो सेल है वो यूज़ करने वाले हैं या थ्रो करने वाले हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि आपने उसको यूज़ किया और थ्रो कर दिया, ठीक है, उसका कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए आप ये सेल जो है यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये आपको नए सेल लेने पड़ेंगे। इसी तरह आपने देखना है जो सेल आपके पास है वो रिचार्जेबल हैं या फिर थ्रो वाले हैं। पावर सप्लाई, अगर बैटरी है तो डेफिनेटली उसके साथ पावर सप्लाई कोई ना कोई होगी, तो सेल बैटरी होगी या तो यूज़ एंड थ्रो वाली होगी, रिचार्जेबल होगी अदरवाइज, या फिर पावर सप्लाई के साथ होगी। सेकेंड, इसमें ऑन ऑफ स्विच बटन होगा और ब्राइटनेस कंट्रोल के भी इसके अंदर बटन्स होंगे। एक हेड होगा, बल्ब होगा, अपर्चर होगा, फिल्टर सिस्टम्स होंगे इसके अंदर, लेंजेज होंगे, रिफ्लेक्टर्स होंगे, कुछ विंडोज होंगी, कुछ शटर्स होंगे, ठीक है, डिस्क लेंस होगा, एक्स्ट्रा लेंजेज भी इसके अंदर होंगे, स्क्रू होंगे, स्प्रिंग्स होंगे, स्टील बॉल्स होंगी, ये सारी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इसके पार्ट्स हैं। और एक शटर होगा या पाउच होगा, बॉक्स होगा, जिसके अंदर आपने डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप को रखना होगा। अब हमारे से प्रॉब्लम क्या है, केयर की बात हमने की थी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है हमने उसकी केयर भी करनी है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की बात करें तो उसमें अगर प्रॉब्लम हमारे पास लेवल वन पे आती है, नो लाइट और डिम लाइट, आपके ऑप्थेल्मोस्कोप आपके पास है लेकिन उसमें लाइट बहुत कम आ रही है या लाइट ही नहीं आ रही, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बैटरी की सबसे पहले प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉपरली प्लेस नहीं है या फिर वो कमज़ोर हो गए हैं, रन डाउन हो गए हैं, ठीक है, आपने उनकी पोजीशन को चेक करना है, उनकी वोल्टेज को चेक करना है, उसकी रिचार्जिंग हो सकता है कि आपने चार्ज ही ना किया हो, उसकी चार्जिंग को देखना है, और अगर सेल है तो उसको देखना है कि रिप्लेस करने वाले तो नहीं हो गए, ठीक है, पहली केयर उसकी ये होगी। सेकेंड, हम पावर सप्लाई प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि हम इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेजेस हैं उसको हम चेक करेंगे, स्विच को चेक करेंगे, कनेक्टिंग जो वायर्स हैं उनको देखेंगे, सर्किट को देखेंगे, और उसी के अंदर हम जो भी फॉल्ट हमें मिलेगा, जो भी हम फॉल्ट नोटिस करेंगे उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। देन बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया या डार्कन्ड तो नहीं हो गया, उसको चेक करेंगे और रिप्लेस करेंगे। एक ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर बल्ब होता है जिसे हमने सारा व्यू करना होता है फंडस को, तो वो बल्ब फ्यूज या डार्कन्ड तो नहीं हो गया, तो अगर वो फ्यूज है या डार्कन्ड है तो हमने उसको क्या करना है, चेक करना है और रिप्लेस करना है, न्यू बल्ब उसकी जगह पे इंसर्ट करना है। ऑन ऑफ स्विच और ब्राइटनेस कंट्रोल वर्किंग में है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है या नहीं उसको चेक करना है, उसको क्लीन करना है, उसका जो रियोस्टेट है और उसका जो स्विच है उसको हमने क्या कह लें, एग्जामिन करना है, अगर वो चेंज करवाने वाला है तो उसको भी हमने ठीक करवाना है। हेड नॉट माउंटेड प्रॉपरली ऑन द हैंडल, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास जो थेल्मोस्कोप आती है या रेटिनोस्कोप आती है
तो वो क्या होती है कि आप उनका जो हेड है वो सेपरेट होता है, उसकी जो बैटरी वाला पोर्शन होता है वो सेपरेट होता है। तो जब आप हेड को उसके साथ इंसर्ट करते हो या उसके साथ अटैच करते हो तो समटाइम हेड प्रॉपरली माउंट नहीं होता, जिसकी वजह से लाइट उसमें से नहीं, हमें बल्ब में से नहीं मिलती। तो हेड आपने चेक करना है कि वो माउंटेड है प्रॉपरली, हैंडल के साथ फिक्स है प्रॉपरली, ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। सेकेंड लेवल की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि लाइट नहीं है या डिम लाइट है, या उसमें और ज़्यादा कह लें कि मोर इन्वॉल्व क्या हो सकता है, रिफ्लेक्टर जो है वो डिसलोकेटेड हो सकता है, विंडो का जो शटर है वो स्टक हो सकता है, डिस्क लेंस या अपर्चर जो फिल्टर सिस्टम है वो ब्रोकन हो सकता है या स्टक अप हो सकता है, लेंजेस जो आपके ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर हैं वो ब्रोकन हो सकते हैं या डिसलोकेटेड हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ऑप्थेल्मोस्कोप गिर गई हो जिसकी वजह से उसके जो अंदर लेंजेज हैं वो टूट जाएँ या फिर डिसलोकेटेड हो जाएँ। हो सकता है कि स्मोक पार्टिकल्स चले गए हों, डस्ट बहुत ज़्यादा चली गई हो, या फिर मॉइस्चर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा हो तो वो मॉइस्चर आपके हेड के अंदर चला गया हो, ठीक है, ऑप्थेल्मो का जो हेड है उसमें मॉइस्चर ना चला गया हो। टू रेमेडी फॉर ऑल दिस इज टू ओपन द हेड क्लीन एंड फिक्स एंड रिप्लेस द पार्ट, ठीक है। अब इसकी सोल्यूशन यही है कि आपने हेड को ओपन करना है, उसको क्लीन करना है, फिक्स करना है और रिप्लेस कर देना है उसके पार्ट्स को। अब जो टेक्नीशियंस हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं एज अ टेक्नीशियन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। आप टेक्नीशियन नहीं हो लेकिन एज अ आई केयर स्पेशलिस्ट अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट को डील कर रहे हो तो आपने उसके ऑप्टिक्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ब्लू या रेड फ्री फिल्टर यूज होता है टू कट आउट द रेड ग्लेयर ऑफ द रेटिना, हमारे रेटिना से जो ग्लेयर आता है उसको कट आउट करने के लिए आपकी ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर रेड फिल्टर लगा होता है, ठीक है, रेड फ्री फिल्टर लगा होता है जिसको ब्लू फिल्टर कहते हैं। पोलराइजिंग फिल्टर होता है, कट आउट करता है रिफ्लेक्शन को, कॉर्निया से जितनी भी आपकी रिफ्लेक्शंस आती हैं उसको क्या करता है वो कट आउट करता है। स्मॉल अपर्चर इज यूज फॉर अनडायलेटेड स्मॉल पीपल्स, ठीक है। स्मॉल अपर्चर यूज होता है जब अनडायलेटेड प्यूपल हो, ऐसे प्यूपल जो बिल्कुल स्मॉल हो उनको देखने के लिए, उसमें से हम जब फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके लिए स्मॉल अपर्चर यूज करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट अपर्चर्स होते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर स्मॉल अपर्चर है या बिगर अपर्चर है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज किया जाता है। रेगुलर अपर्चर यूज होता है नॉर्मल, हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनमें नॉर्मल पीपल होता है उसमें रेगुलर अपर्चर यूज होता है। स्लिट अपर्चर भी यूज होता है, स्लिट होती है एक बारीक सी आप कह लें कि लाइन होती है, स्लिट अपर्चर को यूज किया जाता है एज अ स्लिट लैम्प जिस तरह यूज होता है। स्पेशल अपर्चर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स भी होते हैं और प्लग साइन यूज होते हैं टू डिटेक्ट एनी बल्ब प्रोजेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द रेटिना। फिर इसके अंदर एक कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, वो अपर्चर हम कब यूज करते हैं जब हमने कोई बल्ज देखना है रेटिना की सर्फेस के अंदर कि कोई एरिया जो है वो बल्ज आउट तो नहीं है, कोई प्रोजेक्शन तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक स्पेशल अपर्चर यूज करते हैं जिसको कंसेंट्रिक सर्कल से बना हुआ होता है। इफ टिनी स्टील बॉल्स इन द इंस्ट्रूमेंट आर लूज कैन बी रिप्लेस्ड विद स्टील बॉल्स यूज इन द बेयरिंग ऑफ द बाइसिकल, ठीक है। अगर इसके अंदर एक टिनी बॉल्स होती हैं आप उसको वो लूज हो जाए तो उसकी जगह पे स्टील बॉल्स भी यूज की जा सकती हैं जो बाइसिकल के बेयरिंग के अंदर होती हैं। स्मॉल स्प्रिंग्स कैन बी वाउंड यूजिंग द थिन वायर्स, ठीक है। अब क्या क्या हिंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने जब भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, आपने जब भी ऑप्थेल्मोस्कोप को यूज़ करना है तो उसके जैसे यूज़ कर लें उसको उसके बॉक्स में रख दें, कीप द इंस्ट्रूमेंट इन द बॉक्स या पाउच, ठीक है। व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड कलेक्शन ऑफ डस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, आपने ये देखना है कि जब भी आपने यूज़ कर लिया इंस्ट्रूमेंट फ़ौरन से उसको एज अ केयर उसके बॉक्स के अंदर रख दो ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल उसके हेड पे ना जाए। मेक श्योर ऑन ऑफ स्विच इज फुली टर्नड ऑफ, ऐसा नहीं है कि आपने डिवाइस आपका ओपन है आपने उसको वैसे ही बॉक्स के अंदर रख दिया, ठीक है, उससे उसकी बैटरी भी डैमेज हो जाएगी और उसका जो बैटरी टाइमिंग है वो भी ख़राब होगा। अ क्लिक साउंड, जब आप बंद करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ करते हैं तो एक क्लिक का साउंड आता है, ठीक है, इसलिए आपने ऑन ऑफ को मेक श्योर करना है बिफोर प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट्स इन द बॉक्स, जब भी आप बॉक्स में प्लेस करोगे उससे पहले इंस्ट्रूमेंट्स को स्विच ऑफ कर दोगे। आपने रिचार्ज करना है अगर आपके रिचार्जेबल सेल्स हैं, जब भी आपका काम करते हुए आप फॉर एग्जांपल किसी ओपीडी में काम कर रहे हो या आप अपने क्लिनिक में काम कर रहे हो, एट द एंड ऑफ डे जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आपके जो रिचार्जेबल सेल्स हैं उनको आपने रिचार्ज करके फिर रखना है।
इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो बैटरी है वो डेड नहीं होती। दूसरा ये है कि सेकेंड डे जब आप उसको दोबारा से यूज़ करोगे तो ऑलरेडी चार्जेबल होगी। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट के वेट में बैठे रहो और पेशेंट आप अभी कह रहे हो कि मेरी जो ऑप्थेल्मोस्कोप है वो चार्ज नहीं है और आप उसको पहले जाके चार्ज करने लगते हो। इसलिए एट द एंड ऑफ डे आपने क्या करना है, उसको रिचार्ज करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपने 7 दिन 8 दिन कोई इंस्ट्रूमेंट्स है उसको यूज़ नहीं करना, ठीक है, आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो या आपको कोई काम है जिसकी वजह से आप 7 दिन या कुछ 7 दिन में एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ दिन भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ दिन अगर आपको लगता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करने तो आप क्या करें, उनके जो बैटरी है या सेल है उसको रिमूव कर दें, उसको निकाल लें, ठीक है। इससे एक तो आपका जो जंग लगने का खतरा होता है वो नहीं होता, लीकेज नहीं होता, ठीक है, अवॉइड आप लीकेज को अवॉइड कर लेते हो। फिर आपने ये केयर करनी है कि जहाँ पे आपके आई के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं वहाँ पे स्मोकिंग ना हो। स्मोकर से जो आपके स्मोक पार्टिकल्स जाते हैं वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को ख़राब करते हैं, उसकी इल्यूमिनेशन को रिड्यूस कर देते हैं। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप कुछ इस तरह से बनी होती है, उसका बल्ब होता है, कंडेंसिंग लेंस होता है और इमेज फॉर्मिंग लेंस होते हैं जिसको हम फिल्टर्स और अपर्चर्स कहते हैं। फिर हमारे पास रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है और टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म उसके एंड पे लगा होता है। बल्ब जो फिलामेंट टाइप का होता है, हैलोजन बल्ब इसके अंदर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर एक फ्रंट सिल्वर मिरर टाइप का होता है, फुली रिफ्लेक्टिंग होता है और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है, और ऑप्थेल्मोस्कोप्स के अंदर ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर के तौर पर काम करते हैं। सेकेंड टाइम मैंने आपको बताई थी, पहले हमने पढ़ी डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, अब इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप को देखेंगे। ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेटिना ऑफ आई को देखने के लिए यूज होता है। इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी दोनों ही आपके फंगस एग्जामिनेशन के लिए काम आते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है वो हैंडहेल्ड होती है, आप उसको करीब जाके देखते हो। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होती है, पेशेंट और एग्जामिनर का के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको 3D व्यू मिलेगा और डायरेक्ट थर्मोस्कोप के अंदर आपको 2D व्यू जो है वो मिलता है। अब इसके कंपैरिजन की बात करें, वही जो बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं कुछ, तो इनडायरेक्ट जो है वो हम दोनों आंखों से देखते हैं, बाइनोकुलर है, और आपका जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है वो मोनोकुलर है। इसमें आपको 3D इमेज मिलेगा, स्टीरियोस्कोपिक इमेज मिलेगा, इसके अंदर फ्लैट इमेज होगा, 2D होगा आपके डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर। मैग्नीफिकेशन का भी फर्क होगा, अब जो बाइनोकुलर है उसकी मैग्नीफिकेशन 3x होती है, 20 diopter का लेंस लगा होता है इसके अंदर, लेकिन इसकी मैग्नीफिकेशन मोर देन 15x होती है, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है आपकी इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप को, इसीलिए यूज किया जाता है कि रेटिना के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हैं रेटिना के, वो सारे विजिबल होते हैं क्योंकि इसमें फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। और इसके अंदर एक डिप्रेसर यूज करके हम इसके फील्ड ऑफ व्यू को और इन्हांस कर सकते हैं। आपका जो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है ये मोनोकुलर है और इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो लेस होता है। ऑब्जर्वर डिस्टेंस पे होता है, ऑब्जर्वर और पेशेंट का जो है एक डिस्टेंस होता है, लेकिन इसमें ऑब्जर्वर जो होता है, एग्जामिनर जो होता है, उसको पेशेंट के करीब जाके टेस्ट करना पड़ता है। अब ये आपका जो बाइनोकुलर है, आपका इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, इसको हम हमेशा डार्कनिंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, डे लाइट में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अदरवाइज जो आपका इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है, इसको डे लाइट में भी यूज़ कर सकते हो, इसको डिम लाइट में भी यूज़ कर सकते हो। इन्वर्टेड इमेज मिलता है आपके इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर और इरेक्ट इमेज मिलता है आपके डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर। इसके पार्ट्स अगर हम इनडायरेक्ट के देखें, इसमें हेड बैंड होता है, स्पेक्टिकल माउंटेड होता है, क्योंकि बाइनोकुलरली देखना होता है आपने, तो ये आपके हेड पे माउंट करना होता है, उन्होंने स्पेक्टिकल माउंटेड होता है। इसमें भी पावर सप्लाई होगी, बैटरी बॉक्स होगा, केबल होगी, स्विच होंगे, इल्यूमिनेशन सिस्टम के अंदर बल्ब लेंसेज होंगे, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होंगे, फिल्टर्स होंगे और अपर्चर्स होंगे। व्यूइंग सिस्टम जो होगा उसके अंदर भी लेंसेज होंगे, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स होंगे, फ्रंट सिल्वर मिरर्स होंगे और स्क्रू होंगे। टीचिंग मिरर इसके अंदर होता है, जिसके साथ टीचिंग मिरर वो चीज़ है जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जामिनर है, एक डॉक्टर है, वो कोई एग्जामिनेशन कर रहा है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से पेशेंट को देख रहा है, तो टीचिंग मिरर एक साथ में मिरर और कहले हैंडल लगा होता है जिसके अंदर से अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहे, ठीक है, तो स्टूडेंट को भी सिमिलर व्यू मिलेगा जैसे उस एग्जामिनर को मिलेगा, तो उस मिरर को कहते हैं टीचिंग मिरर, ठीक है। और इसमें लेंसेज की अगर हम बात करें, 20 या 30 diopter तक के लेंसेज जो हैं आपके इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर लगे होते हैं, और डिप्रेसर लगा होता है जिससे उसके फील्ड ऑफ व्यू को इन्हांस कर दिया जाता है।
अब अगर हमारे इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप में लाइट नहीं आ रही तो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम चेक करेंगे ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, अगर उसमें इशू है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। पावर सप्लाई में देखेंगे उसकी वोल्टेज, इनपुट आउटपुट देखेंगे, अगर उस पावर सप्लाई में इशू है तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। बैटरी की वोल्टेज देखेंगे, अगर रिचार्ज है तो ठीक है, उसको रिचार्जिंग की ज़रूरत है तो उसको हम चार्ज करेंगे। अब कनेक्टिंग वायर्स की कंटिन्यूटी देखेंगे या शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, क्योंकि इसके अंदर वायर्स यूज़ होती हैं। आपका जो इनडायरेक्ट है उसमें वायर्स यूज़ होंगी, जो डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप है उसमें बैटरी या सेल होंगे। रिप्लेस कर देंगे अगर इसके शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसको हम दोबारा रेक्टिफाई करेंगे। फिर हम देखेंगे कहीं पे फ्यूज़ तो नहीं हुआ, तो अगर फ्यूज़ है तो उसको रिप्लेस करेंगे। बल्ब अगर फ्यूज़ हो गया तो उसको भी रिप्लेस कर देंगे। अब कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिस तरह के स्पॉट ऑफ लाइट फोकस में ना हो तो उसमें लेंसेज का इशू होगा, फिल्टर्स का होगा, या रिफ्लेक्टर्स, अपर्चर की भी, किसी भी इल्यूमिनेशन सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं लेंसेज के, फिल्टर्स के, रिफ्लेक्टर्स के, किसी एक में भी इशू हो सकता है। उसको हम चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे। फिर अगर हमें डबल इमेजेस नज़र आ रहे हैं, डिप्लोपिया नज़र आ रहा है इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप से, तो हम देखेंगे मिरर या प्रिज्म्स के अंदर कोई इशू तो नहीं है, लेंसेज या व्यूइंग सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं है। उसमें हम उसकी अलाइनमेंट को चेक करेंगे, उसकी वर्किंग पोजीशन को देखेंगे, ठीक है, कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो फिर हम उसको एग्जामिन करेंगे। हेडबैंड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो हमने हेड के ऊपर उसको कह लें कि स्क्रू करना है या बांधना है, उसमें क्लीनिनेस देखनी है, पैडिंग देखनी है, फिटिंग स्क्रू देखनी है, कनेक्टिंग वायर्स देखनी है, सबको हमने चेक करना है, क्लीन करना है, और कहीं पर अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको रिमूव करना है। फिर हमने क्या करना है, 20 डायोप्टर लेंस को क्लीन करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। अब हमारे पास थर्ड इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रीक ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप आप सबको शायद ना इलम हो, लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि ऑप्थेल्मोस्कोप किस लिए यूज़ होता है, सॉरी रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप हम यूज़ करते हैं आपकी रिफ्रैक्शन के लिए, ग्लासेस का जो नंबर आप फाइंड आउट करते हो उसकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए। ग्लासेस को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे जब भी ग्लासेस का नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव वो मेथड होता है जिसके अंदर एग्जामिनर कह लें कि जो एग्जामिनर है वही सारा टेस्ट परफॉर्म करता है, और आपके जो पेशेंट होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या लिटल इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर हमेशा पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रायल सेट के साथ जो आपके ट्रायल बॉक्स के अंदर लेंजेज होते हैं उसकी मदद से आप एक रिफ्रैक्शन का प्रोसीजर जो करते हो उसको हम क्या कहते हैं, जो डिवाइस यूज होता है वो रेटिनोस्कोप कहलाता है। जिस तरह ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर पार्ट्स थे, इसी तरह इसके भी पार्ट्स हैं, और सिमिलरली एक जैसे पार्ट्स होते हैं, सिर्फ इनके बल्ब में फ़र्क होता है। इसकी जो स्ट्रीक है वो कह लें कि स्ट्रीक की फॉर्म में होती है, और उसका जो है डिफ्यूज एक सर्कुलर लाइट आती है बल्ब में से। इसमें भी हैंडल होगा, सेल या बैटरी होगी, सिमिलरली यूज एंड थ्रो हो सकती है, रिचार्जेबल हो सकती है, पावर सप्लाई हो सकती है, ठीक है। ऑन ऑफ इसके स्विच बटन्स हो सकते हैं होंगे, और इल्यूमिनेशन कंट्रोल सिस्टम होगा, हेड होगा, बल्ब होगा, और इसकी बीम को एडजस्ट करने के लिए बीम विड्थ एडजस्टमेंट होगी, बीम ओरिएंटेशन एडजस्टमेंट होगी, और लेंजेज, रिफ्लेक्टर और विंडो होगी। अब अगर हमारी रेटिना में से लाइट नहीं आ रही तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली हम देखेंगे बैटरी या सेल प्रॉपरली प्लेस नहीं है तो उनको चेक करेंगे, रिप्लेस करेंगे। पावर सप्लाई प्रॉब्लम होगी तो हम उसके आउटपुट को देखेंगे, वोल्टेज को देखेंगे, कनेक्टिंग वायर्स को देखेंगे और सर्किट को देखेंगे। फ्यूज़ अगर बल्ब है तो उसको रिप्लेस करेंगे चेक करने के बाद। हेड अगर प्रॉपरली माउंटेड नहीं है तो हम हैंडल पे उसको प्रॉपरली फिक्स करेंगे। लेंसेज अगर डिस्टर्ब हैं तो उसको भी चेक करेंगे और करेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्टर भी अगर आप रिफ्लेक्टर डिस्टर्ब है तो उसको भी चेक एंड करेक्ट करेंगे। अब कुछ और प्रॉब्लम्स भी इसकी हो सकती हैं, लाइट फ्लिकरिंग हो सकती है, लाइट बार बार फ्लिकर कर रही हो, लूज इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट हो सकता है, बल्ब होल्डर या इल्यूमिनेशन कंट्रोल चेक सिस्टम में भी इशू हो सकते हैं तो उसको भी हम चेक करेंगे और क्लीन करेंगे। बीम विड्थ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, चेक क्लीन एंड जेंटली लुब्रिकेट शाफ्ट मूवमेंट इन द हेड, ठीक है, आप उसका जो शाफ्ट मूवमेंट है उसको चेक करेंगे। बीम ओरिएंटेशन में भी इशू हो सकता है, इसमें भी हम उसको चेक करेंगे और सिमिलरली क्लीन करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे उसका जो टर्निंग नॉब है, और डस्ट होगी रिफ्लेक्टर के ऊपर, विंडो के ऊपर, तो फिर हम उसको क्लीन करेंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हम बात करें कि रेटिनोस्कोप को आपने बॉक्स में रखना है जब आप यूज़ नहीं कर रहे। सिमिलर इंस्ट्रक्शंस हैं जिस तरह आपकी ऑप्थेल्मोस्कोप के लिए मैंने आपको फर्स्ट में दी हैं,
ठीक है, जैसे अब आप यूज नहीं कर रहे तो आपने उसको बॉक्स में रख देना है। अब इसको टर्न ऑफ आपने करना है, जब भी आपने काम खत्म करना है तो उसको टर्न ऑफ करके बॉक्स में रख देना है। ठीक है, इफ द रेटिनोस्कोप इज नॉट लाइकली टू बी यूज फॉर फ्यू डेज, सिमिलर कंडीशन उसके लिए भी है कि अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे तो उसकी बैटरी या सेल को रिमूव कर लें। हैंडल ऑफ स्ट्रीक रेटिनोस्कोप और डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप, जो उसके हैंडल होता है वो सेम होता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो नीचे वाली बैटरी है, बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सेम होता है। ऊपर दो हेड डिफरेंट दे देते हैं ताकि एक तो कन्वीनियंट हो जाए, एक तो खर्चा बच जाए, इकोनॉमिकली हो हैंड, और सिंगल एक ही बॉक्स के अंदर आ जाए। एक ही बॉक्स के अंदर एक उसका बैटरी ऑपरेशन ऑपरेटेड सिस्टम होगा और दो हेड होंगे। एक जो हेड होगा वो रेटिनोस्कोप का होगा और दूसरा जो होगा वो आपके ऑप्थेल्मोस्कोप का होगा। अगर आपने एज अ रेटिनो उसको यूज़ करना है तो जो रेटिनो का हेड होगा उसको आप यूज अटैच कर दोगे बैटरी के साथ, बैटरी के हैंडल के साथ। इसी तरह जब आपने ऑप्थेल्मोस्कोप परफॉर्म करनी होती है तो आप ऑप्थेल्मो का जो हेड है उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं अपने बैटरी हेड के साथ। अब इनमें फर्क क्या होता है, बल्ब ऑफ डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप एंड स्ट्रीक रेटिनोस्कोप आर नॉट द सेम। सिर्फ बल्ब का फर्क होता है, रेटिनोस्कोप बल्ब है स्ट्रेट एक फिलामेंट, रेटिनोस्कोप के अंदर एक स्ट्रेट फिलामेंट होता है, लेकिन जो आपका ऑप्थेल्मोस्कोप है इसके अंदर डिफ्यूज और सर्कुलर एक फिलामेंट होता है। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज केराटोमीटर। ठीक है, क्रेटो का मतलब होता है कॉर्निया, मीटर का वर्ड मैयर करने से निकला है, तो क्रेटोमीटर अल्टीमेटली इज द मीनिंग ऑफ मैयरिंग पावर ऑफ कॉर्निया। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट जो कॉर्निया की पावर हमें मालूम करके देगा, कॉर्नियल पावर बताएगा, कैलकुलेशन करेगा, तो क्या कहलाएगा, क्रेटोमीटर कहलाएगा। अब क्रेटोमीटर हम यूज़ करते हैं कॉर्निया की पावर मालूम करने के लिए, और जब हमने इंट्रा ऑकुलर लेंस आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी पावर मालूम करनी होती है कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, तो हम क्या करते हैं, कॉर्निया की पावर को भी यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अपने एक्सियल लेंथ को भी मेजर करते हैं। तो कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें कॉर्निया की पावर का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, और कॉन्टैक्ट लेंस चेक की जब हम फिटिंग करते हैं तो भी हमने केराटोमीटर से कॉर्निया की पावर देखनी होती है। इसके भी पार्ट्स हैं केराटोमीटर के, बल्ब और बल्ब होल्डर होता है, स्विच और कनेक्टिंग केबल्स होती हैं, रिफ्लेक्टर होते हैं, इसके साथ मायर होती है, टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव और आईपीस जिसमें इंक्लूडेड है, आपके प्रिज्म और कॉर्निया का एक मॉडल होगा। कॉर्निया मॉडल वो मॉडल होता है जिससे आप इसकी कैलिब्रेशन को चेक करते हो। अब अगर हम इसके मैकेनिकल पार्ट्स की तरफ जाएं तो इसमें एक बेस होगी, अप डाउन मूवमेंट स्क्रू होंगे, लेफ्ट राइट रोटेशन के लिए एक लॉक फिक्सिंग होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए भी स्क्रू होंगे जो इसको फोकस कराने में हेल्प करेंगे, पावर रीडिंग ड्रम्स होंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल ड्रम्स होते हैं साइडों के ऊपर, तो उसको हम रोटेट करते हैं तो हमें कॉर्निया की पावर का पता चल जाता है। सर्कुलर स्केल होता है टू मेजर द एक्सिस फॉर एस्टिगमेटिज्म। ठीक है, एक स्केल बना होता है 0 से लेके 180 तक, उसमें फिर हम उसको रोटेट करते हैं, जहाँ पे वो मायर्स क्लियर हो जाती हैं तो वहाँ पे हम उसके एक्सिस को मेजर कर लेते हैं। चिन और हेडरेस्ट भी इसके अंदर होता है। अब आपने केराटोमीटर को मेंटेन कैसे करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करना है जब यूज में ना हो। ठीक है, इसको इसके लिए एक स्पेशल कह लें कि कवरिंग आती है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही, ना भी हो तो भी आप बना भी सकते हो इसके ऊपर, कोई भी कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स को आपने हमेशा कवर करना होता है जब यूज में ना हो। इसकी बॉडी को और उसके जो ऑप्टिक्स है उसको आपने क्लीन करना होता है, अगर कोई डस्ट है तो डस्ट को रिमूव करना होता है। इसको पीरियोडिकली लुब्रिकेशन देनी है ऑल पार्ट्स के अंदर, बल्ब रिप्लेस करना है अगर जब भी जरूरत हो, और इसके ऑन ऑफ जो स्विच बटन होते हैं, पावर केबल्स होती हैं, उनको भी चेक करना है अगर उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत हो। कैलिब्रेशन को हमने चेक करना है, कैलिब्रेशन हमने डेली इसकी चेक करनी है इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले, जिस दिन भी आप आपने काम करना है तो उससे पहले उसकी कैलिब्रेशन को चेक करना है, ताकि कैलिब्रेशन डिस्टर्ब ना हो। कैलिब्रेशन डिस्टर्ब होगी तो नंबर में फ़र्क आएगा। कैलकुलेट करना है आईएल पावर, तो इस कैटरेक्ट सर्जरी से पहले तो हमें क्या करना होता है, कॉर्निया की पावर को आइडेंटिफाई करना होता है। अब क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमने ऑप्टिक्स को क्लीन करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना। फॉर एग्जांपल टू प्रिज्म्स हैं इनसाइड, तो उनको हमने एक्स्ट्रा इमेजेस के लिए यूज़ होते हैं, तो उनकी ऑप्टिक्स को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, जस्ट हमें क्लीन करना होता है। अब हमारे पास स्लिट लैम्प है, स्लिट लैम्प को हम देखेंगे। स्लिट लैम्प क्या होता है, आई की कोई भी पार्ट है, आपका कॉर्निया है, आईलिड है, कंजक्टिवा है, कोई भी आई का पार्ट है, उसको एग्जामिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको स्लिट लैम्प कहते हैं।
इट इज़ यूज टू डिलीवर लेजर पल्सेज इन टू द आई फॉर ट्रीटमेंट. कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट है फॉर फोटोग्राफिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई. आप इससे फोटोग्राफ्स भी आई के ले सकते हो. अब इसके टाइप्स हैं, एक है बल्ब लोकेटेड एट द टॉप, टिल्टिंग टाइप है, और दूसरा है बल्ब लोकेटेड एट द बॉटम, फिक्स टाइप. अब जो टिल्टिंग टाइप है उसमें फ्रंट सिल्वर्ड मिरर यूज होता है टू रिफ्लेक्ट लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ पेशेंट. अब जो फिक्स टाइप है उसको हम यूज करते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के तौर पे फॉर रिफ्लेक्ट लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ पेशेंट. अब जो टिल्टिंग टाइप है इनमें इंक्लाइंड ऑप्टिक्स होती है. जो आपकी फिक्स टाइप है उसमें पैरेलल ऑप्टिक्स यूज होती है. इंक्लाइंड ऑप्टिक्स क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्टिव लुकिंग एट एन एंगल. मैग्निफिकेशन चेंज अचीव्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव. जब हमें मैग्निफिकेशन चेंज करनी होती है तो हम इसके ऑब्जेक्टिव को चेंज कर देते हैं. पैरेलल ऑप्टिक्स के अंदर सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें से टू बीम्स ऑफ लाइट आती हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर. इसमें तीन या पांच स्टेप होते हैं मैग्निफिकेशन के लिए यूजिंग गैलिलियन सेटअप. ठीक है, थ्री पार्ट्स होते हैं. आप कोई भी स्लिट लेंस यूज करोगे उसके थ्री पार्ट्स होंगे. इल्यूमिनेशन सिस्टम होगा और मैग्निफिकेशन सिस्टम होगा और मैकेनिकल सिस्टम होगा. इल्यूमिनेशन सिस्टम के अंदर हमेशा बल्ब होगा, लेंजेज होंगे, स्लिट होगी, स्लिट की विड्थ एडजस्टमेंट होगी, स्लिट की हाइट एडजस्टमेंट होगी, स्लिट की ओरिएंटेशन एडजस्टमेंट होगी, फिल्टर्स होंगे, पावर सप्लाई, इल्यूमिनेशन कंट्रोल और पावर कार्ड होगा. मैग्निफिकेशन के अंदर आपको पता है हमेशा हमारे लेंजेस यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप यूज होता है, स्टीरियो कंपाउंड इसके अंदर माइक्रोस्कोप होगा, प्रिज्म अरेंजमेंट होगी टू लेट एडजस्टमेंट ऑफ द आईपीसेस. ठीक है, सेपरेशन टू सूट द आईपीडी ऑफ द ऑब्जर्वर. इसके अंदर जो आईपीसेस यूज होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, अलाइन करना होता है. आईपीडी इज इंटर पिपुलरी डिस्टेंस. अब जो ऑब्जर्वर है, एग्जामिनर है, अगर वो एग्जामिन कर रहा है तो वो पहले अपनी इंटर पिपुलरी डिस्टेंस को क्या करेगा, अलाइन करेगा. दोनों आईपीसीज में से जब देखेगा तो उनको रोटेट करेगा जहां पे उसको टोटल अलाइन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटर पिपुलरी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो फिर वो क्या करेगा, मैग्निफिकेशन सिस्टम को यूज कर सकेगा. फाइनल इमेज इसमें हमें मिलता है इरेक्ट होता है विदाउट लेफ्ट राइट इनवर्जन. जो इमेज मिलता है वो टोटली इरेक्ट होता है, लेफ्ट राइट इसके अंदर कोई भी इनवर्जन नहीं होती. लास्ट जो पार्ट है इसका दैट इज मैकेनिकल सिस्टम. इसमें टेबल मूवमेंट अप डाउन होती है, टेबल को आप ऊपर नीचे कर सकते हो. ठीक है, मैनुअल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है. जॉयस्टिक होती है जिसमें हम मूव कर सकते हैं अप या डाउन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट. ठीक है, जॉयस्टिक आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट राइट मूव कराने में मशीन को हेल्प आउट करती है. चिन रेस्ट होता है जिसपे पेशेंट अपनी चिन रखता है. हेड रेस्ट होता है जिसमें पेशेंट अपनी हेड मूव करता है. अब इसको भी ऊपर नीचे किया जा सकता है. ठीक है, मशीन के अंदर ये भी सिस्टम होता है. इल्यूमिनेशन सिस्टम के अंदर टिल्टिंग अरेंजमेंट होती है. आपकी जो स्लिट है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, एक्सिस चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने इसको मेंटेन कैसे करना है. कीप द इंस्ट्रूमेंट कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज. सब इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है कि जब भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज नहीं करना उसको कवर करके रख देना है. रिप्लेस करना है बल्ब को अगर जरूरत हो, डस्ट को रिमूव करना है, स्टेन को रिमूव करना है, लुब्रिकेट करना है, उसके सारे जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसको पीरियोडिकली वक्तन फोक्तन आपने क्या करना है, उसको मूवमेंट्स को चेक करते रहना है, और फिर उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को भी आपने चेक करना है. अब अगर कोई इशू आ जाए, लाइट नहीं है, तो आपने चेक करना है कि पावर के अंदर तो कोई इशू नहीं है, सॉकेट देखना है, स्विच देखना है, स्लिट देखनी है ओपन है, बल्ब चेक करना है, उसकी विड्थ और हाइट, ओरिएंटेशन, एडजस्टमेंट देखनी है. तो ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी है, उसमें से कहीं डिफेक्ट है तो आपने उसको रेक्टिफाई कर देना है. अब अगर हमें डिप्लोपिया मिले, डबल इमेज मिले, तो आईपीसीज डिस्टर्ब होंगे, आईपीसीज को चेक करना है, उसको रिस्टोर करना है और उसको एक प्रॉपर पोजिशन के अंदर लेके आना है. हार्ड मूवमेंट हो, आप देख रहे हो कि आपका जो जॉयस्टिक है जो मूव कराता था राइट लेफ्ट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो अगर वो हार्ड मूव कर रहे हैं तो आपने उसको क्लीन करना है, उसके रेलिवेंट पार्ट्स को, और उसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेट करना है. ठीक है, जो उसका स्फेरिकल सरफेस है जॉयस्टिक का, उसको भी आपने क्या करना है, साफ करना है. अगर वो वेयर आउट हो जाए तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है. आपने इसके लिए मेंटेनेंस एक शेड्यूल बनाना है, ऑप्टिक क्लीनिंग एज एंड व्हेन फाउंड नेसेसरी एटलीस्ट वंस अ वीक. आप अपना एक शेड्यूल सेट कर सकते हो कि हफ्ते में एक बार आपने उसकी क्लीनिंग करनी है. स्ट्रिपिंग क्लीनिंग एंड असेंबलिंग ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम वंस इन थ्री मंथ्स. आप हर तीन महीने के बाद लाजमी उसकी इल्यूमिनेशन सिस्टम को भी आपने साफ करना है.
स्ट्रिपिंग क्लीनिंग एंड असेंबलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम वंस इन अ ईयर. आप जो मैकेनिकल सिस्टम है उसको आपने साल में एक बार लाजमी क्या करना है, स्ट्रिप करना है, क्लीन करना है और असेंबल करना है. इफ द लोकेशन इज इन मॉनसून एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे मॉनसून हो, तो उसको आपने थारोली साफ करना है, क्लीन करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही मॉनसून ओवर होगा तो आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना है. अब कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो आपके स्टील लैम्प के साथ यूज होते हैं, जिसमें 90D है, 78D डायोप्टर का लेंस है, 90D मीन होते हैं आई का एंगल देखने के लिए, एप्लेनेशन टोनोमीटर यूज होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर IOP जिसको कहते हैं उसको मेजर करने के लिए, माइक्रो मैनिपुलेटर्स यूज होते हैं टू डिलीवर द लेजर बीम एट रिक्वायर्ड स्पॉट ऑफ आई में जहां भी. ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है जो आपके ऑकुलर सर्जरी इंट्राओकुलर लेंस जब हम कहते हैं या माइक्रो सर्जरी यूज करते हैं आई के अंदर तो उसके लिए यूज होता है. इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीसीज हैं, मैग्नीफिकेशन चेंजर हैं, मैकेनिकल 5-स्टेप अरेंजमेंट होती है इसके अंदर, जूम सिस्टम होता है जिसको मोटराइज सिस्टम कहते हैं, इल्यूमिनेशन सिस्टम जिसको बल्ब फाइबर ऑप्टिकल केबल एक्सियल रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होंगे, कैमरा या कोई वीडियोग्राफी के लिए कोई इसके अंदर सिस्टम होगा. देन इसके अंदर वर्टिकल स्टैंड होगा, रोटेटिंग आर्म होगा, बेस व्हील्स होंगे और लॉकिंग अरेंजमेंट्स होंगे. सीलिंग माउंटेड भी हो सकता है और टेबल माउंटेड टेलीस्कोप भी हमारे पास अवेलेबल है. अब हमने इसको मेंटेन कैसे करना है, कीप द ऑप्टिक्स कवर सेम हर एक के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कि उसको कवर कर दें जब आपने यूज नहीं करना. क्लीन करें उसकी ऑप्टिक्स को एवरी डे फॉर यूज. डोंट ओपन द माइक्रोस्कोप हेड एंड आई पीसीज असेंबली. आपने ऐसा नहीं करना कि माइक्रोस्कोप के हेड को ओपन करके बैठ जाओ, ठीक है, तो आपने उसको ओपन नहीं करना क्योंकि ये मोस्टली एयर टाइट होते हैं. ओपन एंड क्लीन ओनली इफ द डस्ट फॉरेन बॉडी इज नोटिस इनसाइड. अगर आपको लगे कि फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है आईपीस के माइक्रोस्कोप के आईपीसीज के अंदर तो फिर ही आप उसको ओपन करोगे, अदरवाइज उसको ओपन नहीं करोगे. फुल क्लीनिंग की जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉनसून हो तो आफ्टर मॉनसून आपने क्या करना है, फंगल ग्रोथ से बचने के लिए अपने जो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप है उसकी पार्ट्स को क्लीन करना है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलिका जेल यूज कर सकते हैं, पॉकेट इन द विकिनेटी ऑफ ऑप्टिक्स टू कीप द एरिया ड्राई, ठीक है, ताकि फंगस ग्रोथ ना हो. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के हेड के ऊपर एक बल्ब लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ताकि उसकी हीट से फंगस की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाए. और आपने ओटी को वॉश करना है, क्लीन करना है, तो आपने क्या करना है, पहले अपना माइक्रोस्कोप जो है वो आउटसाइड द ओटी ले जाना है, ड्राई प्लेस के ऊपर लेके जाना है. जब ओटी क्लीन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो आपने अपने माइक्रोस्कोप को दोबारा ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर दोबारा लेके जाना है, ठीक है. उसके व्हील्स को चेक करना है, उसको लुब्रिकेट करना है ताकि इजी मूवमेंट रहे, और लॉकिंग सिस्टम को चेक करना है अगर उसको रिपेयरमेंट की जरूरत है, अगर वो वर्किंग पोजीशन में नहीं है, ठीक है. इलेक्ट्रिक जो पार्ट्स है उसको भी हमने देखना है, और ऑल द बल्ब शुड बी इन गुड कंडीशन. उसके बल्ब को हमने देखना है कि वो वर्किंग में है या नहीं है. अब यूजर्स के लिए क्या टिप्स हैं, रिमूव करना है आपने एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स, बीम स्प्लैटर्स, रिकॉर्डिंग सिस्टम, असिस्टेंट स्कोप्स. जब हम यूज नहीं कर रहे होते बीम स्प्लैटर्स की हमें जरूरत नहीं होती, स्कोप्स की जरूरत नहीं होती, तो हम जितने भी उसके साथ एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, अगर ये लॉन्गर वर्किंग डिस्टेंस हो तो भी आपका VW रिड्यूस हो जाता है. ब्राइट को एज लो एज रखना है जितनी उसकी जरूरत हो, अदरवाइज इट विल एंश्योर अ लॉन्गर लाइफ फॉर द बल्ब. अगर आप उसको ब्राइटनेस को कम रखोगे, कम से कम यूज करोगे, तो बल्ब की जो लाइफ है वो ज्यादा होगी, कि काफी टाइम आपका वो बल्ब जो है वो सही रहेगा, चल जाएगा. आपने माइक्रोस्कोप की मूवमेंट को अवॉइड करना है, बल्ब जब ऑन होता है तो आपने माइक्रोस्कोप को मूव नहीं कराना. माइक्रोस्कोप हेड आप मूव कर सकते हो अप डाउन ड्यूरिंग द सर्जरी विद द हेल्प ऑफ फुट स्विच कंट्रोल, ठीक है, फुट स्विच कंट्रोल होता है जिसकी मदद से आप इसके हेड को मूव कर सकते हैं अप या डाउन. अब हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो या तो लाइट पे चलते हैं या फिर चार्जिंग पे चलते हैं, तो ये सारा
क्या है ये सारी चीज जो है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी आपका गुड सर्वेंट भी है बट आप बैड मास्टर भी है। ये किस तरह है ये सारा हम अब इन डिटेल देख लेंगे। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, ये है क्या और इसके यूजेस क्या क्या है, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है, 9th-10th में भी पढ़ी हुई है। एनर्जी होती है, रेडीली अवेलेबल होती है, वेरी क्लीन होती है। अब अगर हम यूज की बात करें तो टू गेट लाइट हम बल्ब यूज करते हैं। लाइट, जब भी हमें लाइट चाहिए होती है बल्ब यूज होता है, फ्लोरिसेंट ट्यूब लाइट्स होती हैं, डिस्चार्ज लैम्प होते हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं। अगर हमें हीट चाहिए होती है तो हम ओवन्स में लाइट को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस हीट इन ओवन्स, चिलाइजर्स, सोल्डरिंग रॉड्स। अब चिलनेस अगर हमें चाहिए कि चीजें ठंडी करनी है तो हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। एयर कंडीशनर्स हैं आपके, फ्रीजर्स हैं। टू अचीव मूवमेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स हम यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, वाटर पंप, मिक्सेस, ग्राइंडर्स एंड लोकोमोटर। ये वो सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती हैं, लेकिन उसका पर्पज क्या है, टू अचीव मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट में जहाँ लाइट हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है तो उसको टेलीफोन उसकी एग्जाम्पल है, रडार है, ऑडियो, रेडियो, टीवी, वीडियो, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे यूज होते हैं। देन हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, लाइक कंप्यूटर है, इंस्ट्रूमेंट यूज इन हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, जिस तरह एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन है, एनएमआर है और अदर स्कैन मशीन्स हैं, जिस तरह ईसीजी है, आपका ईआरजी है, इसी तरह सिमिलर जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेज हैं। थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी यूज होता है, आपके इलेक्ट्रो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें भी यूज होता है, फेको मशीन जो आई के अंदर यूज होती है इंट्राकुलर लेंस के ऑपरेट के लिए, जो हम मशीन यूज करते हैं उसको फेको मशीन कहते हैं, फेको का वर्ड मतलब होता है लेंस, ठीक है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू गेट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सो ऑन। बहुत सारी हम टाइप्स हैं, जितनी मर्जी डिस्कस करते जाएं तो वो सारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। अब कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती हैं, ये आप अच्छे से जानते हो, वोल्ट है, एम्पेयर है, वाट है, किलो वाट आर है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग वेल अवेयर हो कि वोल्ट किसे कहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रेंथ को मैयर करता है, एम्पेयर क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैयर करता है, वाट क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट एंड एम्पेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको अब दोबारा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये टर्म्स आप ऑलरेडी जानते हो, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी है। डीसी और एसी क्या है, ये चीज़ें भी आपको पता है कि डीसी और एसी क्या होता है, और आपको ये भी पता है कि कुछ कंट्रीज के अंदर 50 हर्ट्ज की कह लें कि फ्रीक्वेंसी यूज होती है, किसी में 60 हर्ट्ज की यूज होती है। अब अगर लाइट है तो उसमें हमने कॉशंस क्या करनी है, अब हमें पता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं पाकिस्तान के लिए यूज के लिए, पाकिस्तान में जो वोल्टेज यूज होगी वो डिफरेंट होगी, जो अमेरिका में यूज होती है वहां पे वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट है वो अमेरिका से बन के पाकिस्तान में आ रहा है, तो पाकिस्तान अगर अपनी वोल्टेज के अकॉर्डिंग उसको चलाएगा तो वो बर्न आउट हो जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो बर्न आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सूटेबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कह लें ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि लाइट को उसके अकॉर्डिंग टू वोल्टेज चेंज करके उसको ट्रांसफर करके फिर हम अपने डिवाइस को यूज करते हैं। अब अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो पावर कट आउट हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, जनरेटर यूज करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं, यूपीएस यूज करते हैं, ठीक है। ये वो फॉर्म्स हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए। वोल्टेज अगर हमारे पास फ्लक्चुएशन हो तो फिर हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है। सर्ग क्या है, सडन अगर इंक्रीज हो जाए वोल्टेज में नेचुरल लाइटनिंग की वजह से या फिर होम मैन मेड कोई काज हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं, सर्ज प्रोटेक्टर यूज करते हैं। अब हमने सेफ्टी कैसे करनी है, अब हम बात करें कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं जो कि सारे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं, तो हमने उसको खुद को कैसे सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, इंसुलेशन करेंगे, केबल की इंसुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिकल जो एक्सेसरीज होंगी हमारे पास, प्लग होंगे, सॉकेट्स होंगे, स्विचेस होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उनकी इंसुलेशन करनी है। इंसुलेशन टेप एक टेम्पोरेरी इसका सोल्यूशन है, अगर इंसुलेशन टेप आप उसको कवर कर देते हैं तो बत्ती तौर पर उसकी इंसुलेशन हो जाएगी और आपका एक सेफ्टी मेजर आपने उसको कहने के अचीव किया। ग्राउंड को भी हम यूज करते हैं, अर्थ कनेक्शन इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन व्हेन देयर इज एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इंस्ट्रूमेंट्स आर इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की लीकेज हो या आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो तो हम उसका कनेक्शन क्या कर देते हैं, ग्राउंड के साथ कर देते हैं। ग्राउंड कनेक्शन शुड बी यूज वेयर एवर प्रोवाइडेड, ठीक है, जहां जहां प्रोवाइडेड हो आपको चाहिए कि ग्राउंड कनेक्शन भी साथ में करें।
पीरियोडिक इंस्पेक्शन करें ग्राउंडिंग की, अपकीर्थ इंस्टॉलेशन की, बिल्डिंग में ये बहुत नेसेसरी है। फ्यूज़ या कट आउट हो जाएं तो आपने सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ करने हैं इन द बिल्डिंग इन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई करंट। ठीक है, अगर हाई करंट आ जाता है तो आपने देखना है कि वो कहीं फ्यूज़ तो नहीं हो गया, उसकी हीटिंग या फायर की वजह से आपकी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बर्न हो रहा, या फिर जो आपका एरिया है, बिल्डिंग है, वो खतरे में ना आ जाए। अब कुछ टिप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे जब हम काम करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो हम क्या करेंगे, वेयर करेंगे फुट, ठीक है, फुटवेयर यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल जब भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे। वर्किंग एरिया ड्राई रखेंगे, मॉइस्ट सरफेस रखेंगे ताकि लीकेज इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो आपको नुकसान ना पहुँचा सके। और इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करते रहेंगे, उनके जो टेस्टिंग है या कह लें कि वोल्टेजेस हैं वो आपने काम करने से पहले क्या करेंगे उसको इंश्योर करेंगे। आप फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनको टर्न ऑफ करेंगे, लाइक कैपेसिटर्स रिटेन, अब जब भी उनको बंद कर देते हैं तो उनके कैपेसिटर्स के अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी रह जाती है जो उनको हार्म दे सकती है। तो आपने क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को टर्न ऑफ कर देना है। रिमेंबर, आप इलेक्ट्रिसिटी कैन डू लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, ठीक है, जिस तरह आपने भी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक आपके लिए वर्किंग हैंड है, लाइक अ गुड सर्वेंट है आपके लिए, एक बहुत सारे काम कर रहा है तो आपका गुड सर्वेंट है। बट आप अगर कोई मिस्टेक कर लेते हो तो इट विल पनिश यू, तो आपके लिए ये एक बैड मास्टर भी है इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट मिस्टेक। ठीक है, अगर चाहे भी आपकी फर्स्ट मिस्टेक हो तो भी आपका ये क्या है, बैड मास्टर है। ऑप्टिक्स क्लीनिंग की हम बात करेंगे तो ऑप्टिक्स को हम किस किस तरह क्लीन कर सकते हैं। ऑप्टिक क्लीनिंग हमें क्यों चाहिए, फॉर गुड वीएन, क्योंकि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो अगर उसकी ऑप्टिक्स क्लीन नहीं है तो हमें जो इमेज नज़र आएगा, जो व्यू आएगा, वो क्लियर नहीं होगा। तो ऑप्टिक्स गेट डर्टी हो सकते हैं डस्ट से, स्ट्रेन से। अब हमने रिमूवल और डस्ट किस तरह करना है, ब्लोइंग एयर से, सॉफ्ट ब्रशेस को यूज़ करते हुए, कॉटन स्वैब को या माइल्ड सोप सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए हमने डस्ट को रिमूव करना है। बट अगर स्ट्रेन है तो स्ट्रेन को कैसे रिमूव करना है, कॉटन स्वैब को यूज़ करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करेंगे, या फिर कॉटन स्वैब एंड माइल्ड सोप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। अगर हार्ड स्ट्रेन है तो हम कॉटन स्वैब के साथ एसीटोन को यूज़ करेंगे। बट इन केस आपके पास प्लास्टिक की ऑप्टिक्स हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्लास्टिक की ऑप्टिक्स लगी हुई है, तो हमने एसीटोन यूज़ नहीं करना, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अल्कोहल यूज़ करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टूडेज टॉपिक, बाकी जो टॉपिक्स हैं मैं इंशाल्लाह वो भी साथ ही रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप लोगों को लिंक शेयर करती रहूँगी। ठीक है, अगर इस टॉपिक में कोई इश्यू है तो आप लोग मुझे अभी बता सकते हैं। इज देयर एनी इशू, ओके, अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी केयर, वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स रह गए हैं वो ऑलमोस्ट आई थिंक फोर टॉपिक्स हैं, जिनमें से दो टॉपिक्स मैं आपको नहीं करवाऊँगी, वो आपको मैं क्विट करवा रही हूँ। एक है एपिडेमियोलॉजी ट्रेंड्स एंड हेल्थ केयर इम्प्लीमेंटेशन, and second one is micro economics and other social parameters as they reflect the eye care in daily routine. ये दो टॉपिक्स मैं अभी आपके जो है ना वो क्विट करवा रही हूँ, तो रिमेनिंग दो टॉपिक्स रह गए हैं आपके, वो आज ही मैं कवर करवा दूंगी। इसमें से एक है केयर ऑफ लेंजेस और अदर वन इज रोल ऑफ प्राइमरी केयर ऑप्टोमेट्रिस्ट। वैसे ये जो रोल ऑफ प्राइमरी केयर ऑप्टोमेट्रिस्ट है ये ऑलरेडी कवर हो चुका है प्राइमरी आई केयर के अंदर, फिर भी इसको थोड़ा सा इन टच में कर लेती हूँ। अभी थोड़ी देर तक मैं दोबारा लिंक शेयर करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।